अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू लीगल लैब नंबर 10। आज हम पढ़ने जाएंगे एक मल्टी वाइब्रेटर कैसे बनाया जाता है, ऑप एम्प बेस्ड। ओके, एस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ओके, सो लास्ट लैब में हमने कुछ फिल्टर्स पढ़े थे, ठीक है, लो पास फिल्टर्स। नाउ उस लैब में देर वॉज एन इश्यू, हमने एक इंड्यूस्ड एरर उसके अंदर प्रोड्यूस किया हुआ है। ओके, एंड यू नो वी वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ यू गाइज कैन यू नो काइंड ऑफ फिक्स इट, और इफ यू गाइज कैन एटलीस्ट यू नो आइडेंटिफाई इट। बहुत ही बेसिक सा एक उसके अंदर एरर इंड्यूस हुआ हुआ है, सो आई वांट यू गाइस टू आइडेंटिफाई दैट एरर एंड फिक्स इट, एंड आई वुड आल्सो लाइक टू से दैट दैट इज नॉट एग्जैक्टली एन अ लो पास फिल्टर। ओके, सो जब वो आइडेंटिफाई कर लोगे ना एरर, उस एरर आइडेंटिफाई करने के बाद उसे जब फिक्स करोगे, तो जो तुम लोगों के पास आंसर आएगा उससे तुम लोगों को पता चलेगा कि वेदर इट इज ए लो पास फिल्टर और व्हाट। ओके, नाउ द रीजन फॉर डूइंग दैट इज आई नो यू गाइस हैव बीन चीटिंग इन योर लैब्स, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कॉपीड लैब्स, सो आई वांट टू मेक श्योर दैट एज एन इंजीनियर you guys know what you're doing, you guys know how to troubleshoot, you guys know how to fix things. Okay, so that error has been induced in the in that previous lab, lab number 9. So this is sort of a quiz for you guys. Okay, and you guys have to rectify that issue and find out what that device is. Okay, so with that, let's continue on with this lab. Now, मल्टी वाइब्रेटर जो है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज होते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बहुत आसान अल्फाजों में कहूँ तो मल्टी वाइब्रेटर बहुत तरह के होते हैं, जो कि ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर्स के लॉजिक्स के आपस में यू नो फंक्शन कॉम्बिनेशन के साथ बनते हैं, ठीक है। उसको आप मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स आप आपस में जो है वो कंस्ट्रक्ट करके एक मल्टी वाइब्रेटर बना सकते हैं। सो 555 टाइमर, जो कि आप लोग DLF लैब में पढ़ते रहे हैं, 555 टाइमर इज बेसिकली अ मल्टी वाइब्रेटर। ओके, मल्टी वाइब्रेटर का काम ये होता है, इसके अंदर आपके पास एक कैपेसिटर होता है, रेजिस्टेंसेज होती हैं जस्ट लाइक अ 555 टाइमर, एंड ये आगे से आपको प्रोड्यूस करके देता है बेसिकली स्टेबल ऑसिलेशंस, स्टेबल ऑसिलेशंस, स्क्वायर वेव, बेसिकली ऑसिलेटर है, जस्ट लाइक अ 555 टाइमर, ठीक है। तो इसमें भी आप स्टॉप टाइम एंड गो टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं बाई यूजिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ योर कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। यू कैन चेंज द स्टॉप टाइम एंड गो टाइम, एंड बेसिकली यहाँ पे जो हमारे हम यूज करने लगे हैं दैट इज एन ऑप एम्प। ऑफ कोर्स यू नो वी आर नॉट गोइंग टू यूज अ 555 टाइमर, वी आर गोइंग टू यूज एन ऑप एम्प इंस्टेड टू फिगर आउट हाउ कैन वी मेक अ सिंपल मल्टी वाइब्रेटर यूजिंग ऑप एम्प। अच्छा, इसके बहुत सारे फायदे हैं व्हेन यू आर यूजिंग एन ऑप एम्प। ऑप एम्प यूज करने से बेसिकली आपका जो आउटपुट है वो उसका गेन उसमें अच्छा खासा आता है, ठीक है। आपकी जो मल्टी वाइब्रेटर के जो आउटपुट है वो काफी स्टेबल होता है, ठीक है, एंड बेसिकली इट्स चीपर देन योर 555 टाइमर एंड अदर मल्टी वाइब्रेटर सर्किट्स। ओके, कॉस्ट में भी कम है। अच्छा, देन दिस यूजेस लेस कंपोनेंट्स एज कंपेयर टू अदर मल्टी वाइब्रेटर्स। ओके, सो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट का नाम है फीडबैक,
जो कि बेसिकली आपके रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर को जो है मिल रहा है, ठीक है, दैट इज़ योर फीडबैक। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और यू गाइज विल सी, बल्कि मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ इसको। ओके, सो कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस का जो फीडबैक है, दैट इज़ बेसिकली ड्राइविंग इट फ्रॉम द नेगेटिव इनपुट, ठीक है। एंड हिस्टेरेसिस दूसरा पार्ट है। हिस्टेरेसिस बेसिकली आपको रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशंस जो हैं उनसे बनता है, ठीक है। इट इज़ बेसिकली अ ट्रिगर, ओके, जस्ट लाइक योर इन योर 555 टाइमर। ट्रिगर जो है वो क्या करता है कि वो स्टेट को चेंज करता है, लाइक फ्रॉम 0 0 to 1, ओके। तो 0 पे कब आना है, 1 पे कब जाना है, दैट इज द वर्क ऑफ अ ट्रिगर, एंड दैट इज व्हाई दीज रेजिस्टेंसेज आर यूज्ड एज अ ट्रिगर, ठीक है। द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, सो यहाँ पर बेसिकली आपका जो फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड फॉर द ऑसिलेशन, कि कितने टाइम के लिए ऑन रहेगा या कितने टाइम के लिए ऑफ रहेगा, दैट फॉर्मूला इज 2 C R1 log E 1 plus 2 R2 upon R3। तो बेसिकली सी और आर और इन सब के कॉम्बिनेशन से यू गाइज कैन फाइंड आउट के आपका जो है वो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना है, ठीक है, मल्टी वाइब्रेटर का। सो यहाँ पर अब आते हैं नीचे। तो बेसिकली अब ये मल्टी वाइब्रेटर जो है वो काम किस तरह करता है, एज यू गाइज कैन सी इन दिस सर्किट के यहाँ पे कोई इनपुट वोल्टेज नहीं है, ठीक है, देर इज नो इनपुट वोल्टेज अदर देन ऑफ कोर्स यू नो यू हैव टू प्रोवाइड एन इनपुट वोल्टेज टू योर ऑप एम्प, ताकि जो है वो ऑप एम्प स्टार्ट हो सके, ठीक है, इट स्टार्ट वर्किंग अपना फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए। तो ऑप एम्प को आपने प्रोवाइड कर दिया इनपुट वोल्टेजेस, अदर देन दैट आपके पास कोई एक्सटर्नल इनपुट वोल्टेज नहीं है। सो यू नो दिस इज इट सेल्फ अ रियली यू नो अ स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, जो कि आपके पास स्क्वायर वेव की ऑसिलेशंस खुद जनरेट कर रहा है यूजिंग इट्स ओन वोल्टेज। नाउ इसमें ऑब्वियसली द फीडबैक इज ड्राइविंग द चार्ज एंड द डिस्चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, एंड ऑल्सो द रेजिस्टेंसेज आर कंट्रोलिंग द ट्रिगर इनपुट। अच्छा, नाउ आपका बेसिकली जैसे जैसे ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, वैसे वैसे आपका जो ऑन टाइम है या आपका जो ट्रिगर है, अब लाइक कैपेसिटर पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा है, सही है, पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है। नाउ जब ये चार्ज हो रहा है तो आपका ट्रिगर पॉजिटिव हो जाता है, एंड दिस इस ट्रिगर मेक्स इट अ पॉजिटिव स्क्वायर वेव। नाउ व्हेन इट इज डिस्चार्जिंग, आपका ट्रिगर इसको नेगेटिव पे ले जाता है, एंड दैट इज हाउ अ स्क्वायर वेव इज फॉर्म्ड, ओके, बाय द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ योर कैपेसिटर। नाउ स्विच बेसिकली जो आपके आर टू एंड आर थ्री का कॉम्बिनेशन है वो इसको स्विच कर रहे होते हैं, ओके okay? अच्छा, नाउ बेसिकली ये मैंने आप लोगों को तो खैर समझा दिया। अच्छा, नाउ ये मैंने बता रहा था, यस, जो मल्टी वाइब्रेटर है वो आप डिफरेंट लॉजिक गेट्स के थ्रू जो है वो बना सकते हैं, ठीक है, बट ऑपरेशनल एम्पलीफायर जो है आपका जो ऑप एम्प है ये काफ़ी उनके मुकाबले इसका सर्किट जो है वो चीपर रहता है, आपको कोई एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके। अच्छा, इसका आउटपुट गेन ज़्यादा होता है, हायर आउटपुट होता है और ज़्यादा स्टेबल भी होता है। ना अब हम चलते हैं, ये आपका सर्किट है, अगेन नो इनपुट वोल्टेजेस, नथिंग, सो प्योर सर्किट, ओके। और यहाँ पे मैंने इसे बनाया हुआ है, सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स बेसिकली। अच्छा, इस लैब में इस सर्किट पे गौर करें, इस सर्किट पे गौर करने से
जो लैब नंबर 9 में जो एक छोटा सा गैप ऑफ एरर हमने छोड़ा है, वो इससे क्लियर हो सकता है. ठीक है, तो जस्ट फोकस हियर, फिगर आउट व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट वाज नॉट हैपनिंग देयर, एंड रेक्टिफाई द प्रॉब्लम, ट्रबल शूट योर इश्यू. नाउ एज फॉर दिस लैब, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव इन्वर्टिंग इनपुट है, VEE जो यानी नेगेटिव वोल्टेजेस है वो 4 पे अप्लाई हो रहे हैं, और जो पॉजिटिव वोल्टेजेस हैं वो 7 पे अप्लाई हो रहे हैं, -15 टू +15 नॉर्मली जैसे हम करते हैं. ठीक है, अदर देन दैट देर इज नो अदर एक्सटर्नल इनपुट. देर इज अ कैपेसिटर ऑफ 4.7 माइक्रोफेरेट एंड रेजिस्टर, सारे रेजिस्टेंस मैंने 1K की रखी हुई हैं, और बिकॉज वी डो नॉट नीड अगेन राइट नाउ. ठीक है, वेल एनी वे, इन इन केस मैंने गेन से हटके भी अगर बात किया जाए, सो वी नीड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्क्वायर वेव, से इक्वल टाइम पीरियड ऑफ योर ऑन एंड ऑफ. नाउ यहाँ पे कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज गोइंग इन टू इन्वर्टिंग, एंड द R1 एंड R2 को जो कॉम्बिनेशन है दैट इज गोइंग इन टू नॉन इन्वर्टिंग इनपुट. ठीक है, बोथ ऑफ देम आर योर फीडबैक्स, देर इज योर द अपर पार्ट इज योर फीडबैक एंड द लोअर पार्ट इज योर हिस्टेरिसिस. ओके, नाउ एक ऑसिलोस्कोप लेते हैं. अटैच करते हैं यहाँ. ठीक है, टू फाइंड आउट कि हमारा जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है, बट ऑल्सो वी नीड टू सी कि हमारा जो कैपेसिटर है वो किस तरह काम कर रहा है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू गो हियर एंड अटैच इट राइट हियर एंड ग्राउंड दिस. ठीक है, Now let's run this. There you go. Obviously, you guys can see here के हमारे पास एक there is a, मैं इसे जरा stop करता हूँ. सो बेसिकली रेड से जो है वो आपका इनपुट आ रहा है, बेसिकली नॉट एन इनपुट, इट्स बेसिकली जो कैपेसिटर आपका चार्ज एंड डिस्चार्ज हो रहा है वो आपका रेड से शो हो रहा है. ठीक है, एंड जो आपका आउटपुट आ रहा है वो आपको ऑरेंज से शो हो रहा है. नाउ एज यू गाइस कैन सी हियर, दिस इज 5 वोल्ट्स पर डिवीजन, सो दैट मेक्स योर आउटपुट अराउंड 13 वोल्ट्स, something like that, and your capacitor is charging between 5 and 6, 7 something. Okay, 7 volts V peak to peak. Now ये आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चॉप जो है वो आपको नजर आ रहा है when you're going towards your top. ओके, जब आप एक्सट्रीम्स पे जा रहे हैं तो देर इज अ चॉप्ड ऑफ, देर इज अ स्टेप सिग्नल, नॉट अ स्टेप सिग्नल, इट्स इट्स काइंड ऑफ अ रैंप. ओके, दैट इज ड्यू टू योर कैपेसिटेंस. ठीक है, कि वो जिस तरह से चार्ज एंड डिस्चार्ज हो रही है, एज यू गाइस कैन सी हियर द ड्रॉप इज वेरी स्टीप, बट द चार्जिंग इज वेरी ए काइंड ऑफ कर्व एन आर्क हियर, सो दैट इज द रीजन फॉर दिस. मैं एक नज़र इसको देखना चाहता हूँ कि टेक्निकली अक्रॉस द कैपेसिटर, बिकॉज आई बिलीव इट्स द सेम थिंग. ओके, सही, तो कैपेसिटेंस चेंज करने से हमारे पास क्या इफेक्ट आएगा, लेट्स सी. मैं इसे 6 माइक्रोफेरेट पे ले जाता हूँ,
Okay, let's run this and see. Not much of a change here. What if I make this 100k? ओके सो बेसिकली आपका जो स्टार्ट टाइम है वो डिफरेंट हो जाता है ड्यू टू योर रेजिस्टेंस. आई थिंक 100k वाज अ प्रीटी बिग अमाउंट फॉर दिस वन. ओके एंड लेट्स डू दिस 10k और मे बी वी नीड टू कीप आर आर टू एंड आर थ्री लार्जर देन और इक्वल टू our feedback resistor. Okay, so I'll go for 100k here and a 100k here. So let's run this and see what do we get. We get nothing. All right then, let's make it 100k also. शायद हमें कैपेसिटेंस बढ़ानी पड़े या कैपेसिटेंस रिड्यूस करनी पड़े. दैट इज फॉर अनदर टाइम. ना दिस डजंट वर्क लाइक दैट. ओके सर, वी विल गो बैक टू आर 1k एंड So you basically you really need a very capable combination for this. Okay, matlab unlike your 555 timer, it does not run on just any combination. Obviously 555 timer ko run karne ke liye you are provided with like two or three formulas that you have to go through to find out your the values of your resistance and capacitors. So unlike that, with the issue with this op amp based multivibrator is only that ke ye aapko jo hai combination iska probable dhoondna padta hai, combination of your resistances to work it out. Okay, this is too much. So yeah, so you guys will have to find out a possible combination for this in order to make it work. Yeah. All right. So आप लोगों का काम क्या है? ओके, ऑप एम्प का सैचुरेशन वोल्टेज प्लस माइनस 10 वोल्ट्स पे रखना है. अभी हमारे पास सैचुरेशन वोल्टेज जो है वो आ रहा था प्लस माइनस 13 वोल्ट्स समथिंग. आर वन आपने 100 के रखे हैं, आर टू और आर जो है वो 1 मेगा ओम्स रखना है. कैपेसिटेंस की वैल्यू 0.01 माइक्रोफेरेड रखनी है और आपको ये पता लगाना है कि फ्रीक्वेंसी जो ऑसिलेशन की है वो क्या है. ठीक है, यू कैन यूज द फॉर्मूला और उसके बाद आप लोग जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लेंगे. ठीक है, इस लैब के साथ आपको फॉर्मूला के साथ फॉर्मूला सॉल्व करके उसकी जो वैल्यू आ रही है वो आपने लिखनी है. ठीक है, और अगेन ये सर्किट बना के इसका जो आउटपुट आ रहा है वो भी इस पे अटैच करना है और यू हैव टू स्पेसिफाई के फ्रिक्वेंसी और एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है. Okay, now that's it for this lab. If you guys have any questions, please comment down below and I will try to answer these questions. And you can also approach me on our WhatsApp group. Theek hai, so take care guys, good luck and Allah Hafiz.